चलिए देखते हैं आगे। मैं मैनेज स्टूडेंट पे राइट क्लिक करूंगा और रन एज ए पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और अपडेट स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा है, बाकी सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे फोटो में फोटो नहीं है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आऊँगा और फोटो इधर सेलेक्ट करूँगा, इधर आकर के अपडेट पे क्लिक कर दूंगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इसको मैं ख़त्म करूंगा, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा और ये देखो यहाँ पे ब्लॉब आ गया। अब फिर यहाँ पे मैं आऊँगा, राइट क्लिक करके अपडेट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये देखो आप फोटो आना शुरू हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एक बग फिक्स करते हैं जो कल आपने देखा था। तो मैं कल तो हड़बड़ था तो नहीं मैं ध्यान दिया मैंने। ये देखो जैसे ओपन पे मैंने क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, अनसक्सेस देखो आ गया, मज़ा नहीं आ रहा है, अनसक्सेस बोल रहा है ये। तो आप नीचे आके देखो, ये कह रहा है कि फाइल टू लार्ज, मतलब बहुत बड़ा आपने फाइल दे दिया, इसलिए हम सेव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा फाइल है, लगभग कुछ MB में है, इतने बाइट्स में फाइल आ रहा है, लगभग 7 MB लगभग फाइल आ रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि हम नहीं अपडेट करेंगे। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये वाकई में बहुत बड़ी फाइल है, लगभग 7-8 MB की है। तो मैं ऊपर आता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, एक फाइल है। अब इसको मैं करता हूँ अपडेट पर क्लिक, तो ये भी अनसक्सेस हो गया क्योंकि ये भी बड़ी फाइल है। ये देखो मैं आता हूँ नीचे, लगभग 3 MB की फाइल है ये भी, कहाँ गया कहाँ गया, ये देख लो 3 MB की लगभग फाइल है। ये कह रहा है कि लगभग 1 MB फाइल यार अपलोड कर लेंगे हम, आप इतना क्यों दे रहे हो। तो क्या आपका अब क्वेश्चन भी आएगा दिमाग में कि क्या हम 10 MB की फाइल अपलोड नहीं कर सकते डेटाबेस में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके तरीके अलग होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो उसके तरीके अलग होंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि लगभग हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, 1 MB तक लगभग में आ ही जाएगा ठीक ठाक क्वालिटी में। तो अबे तो अपलोड हुआ नहीं है, तो अब मैं आता हूं यहां पे और ये देखो, ये देखो कुछ भी नहीं है, वही पुरानी फाइल है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं और मैं दूसरा फाइल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये पता नहीं क्या है, कुछ टेक्स्ट बुक है, ये भी अनसक्सेस है। फाइल बड़ी है इसलिए अनसक्सेस हो रहा है, मुझे छोटी फाइल लेनी चाहिए। अपडेट ये देखो सक्सेस हो गया। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें जी कैसे करनी चाहिए, तो हमें फाइल साइज चेक कर लेनी चाहिए। फाइल साइज मैं चेक कर लेता हूँ पहले, तो मैं आऊँगा यहाँ पे और फाइल साइज मेरे को कहाँ चेक, ये देखो 3 MB, या बड़ा साइज है इसीलिए वो कह रहा है कि अपलोड नहीं होगा, एक्सेप्शन आ रहे हैं। ये देख लो लगभग 1.25 MB का, 1 MB तक लगभग होगा, लेकिन 1 MB से ज़्यादा आता है। तो हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी भाई, 1 KB से हम ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं लेंगे। तो हमें कंडीशन लिखनी चाहिए, कहाँ पे कंडीशन लिखनी चाहिए मैं बताऊँगा तब तक। यहाँ पे भी हमें कंडीशन लगानी है और इनके लिए भी कंडीशन लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, एक जगह कंडीशन लगाऊँगा और सारा काम खत्म हो जाएगा। कहाँ पे? तो अब देखो आप स्टूडेंट लिसनर में मैं आता हूँ, 1 मिनट, यूटिलिटी के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा आइकन्स। लेकिन मैं जो खोजना चाह रहा हूँ पहले वो खोज लूँ फिर मैं करूँ। ये देख लो आप, सेलेक्ट इमेज जो है यही जो है हमें शेयर करता है, क्या शेयर करता है, फाइल का नेम। तो मैं यही सेलेक्ट इमेज वाले पे क्लिक करूँगा क्योंकि इसी मेथड से तो हम इमेज सेलेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे फाइल नेम आता है, ये एब्सोल्यूट पाथ क्या रिटर्न करता है, फाइल का नेम रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, strij स्ट्रिंग फाइल नेम, और यहाँ पे इक्वल टू नल पास करता हूँ अभी, NU नल, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये फाइल, ये फाइल
नेम, फाइल नेम इक्वल टू ये। अब इसके बाद मुझे क्या करनी है, ऐसे फाइल नेम में मुझे न्यू लिखनी है और फाइल इनपुट स्ट्रीम लेना है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम चाहिए, फाइल इनपुट स्ट्रीम को हम क्या दे देंगे, फाइल नेम। तो फाइल नेम यहाँ पे पास कर दिया और यहाँ पे डॉट अवेलेबल मेथड है। ये मेथड हमें क्या करता है, ये ले लो जी, फाइल नेम यहाँ पे पास होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा, डॉट अवेलेबल मेथड। यहाँ पे मैं फाइल SIZE int ऐसे। अब ये फाइल साइज क्या करता है ना, अवेलेबल मेथड क्या करता है कि कितने MB का फोटो है उसका बाइट में रिटर्न करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1024 से डिवाइड कर देंगे। जब 1024 से डिवाइड होगा, हेलो, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1024 से, क्योंकि अवेलेबल जो मेथड है वो रिटर्न करता है हमें बाइट की, टोटल कितने बाइट का इमेज है। एक यहाँ टोटल क्या आएगा, जितने बाइट का फोटो है वो बाइट रिटर्न करेगा, हम बाइट को डिवाइड कर देंगे 1024 से, तो क्या आएगा, किलो बाइट। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये लेस देन या इक्वल टू किससे है, 1024 से। 1024 बाइट मतलब, 1 किलो बाइट मतलब 1 MB। तो यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखने का, यहाँ पे कट करिए ऐसे, और यहाँ पे फाइल साइज लेस देन है, फाइल साइज जो है लेस देन है 1024 के, तब हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्या रिटर्न कर देना है, फाइल नेम, फाइल नेम रिटर्न कर देना है ऐसे ऐसे। और नहीं, अब ये देखो एक्सेप्शन दे रहा है, तो एक्सेप्शन हम ट्राई कैच ब्लॉक लगा देंगे जी, और नो, ये तो लंबा चौड़ा गया। TRY ट्राई, यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे से ये कैच, यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्शन, बस हो गया। अब रिटर्न कर रहा है फाइल नेम, एल्स में मैं आता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूंगा, MESS मैसेज डॉट एरर, एरर का मैसेज दे देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है पेरेंट कंपोनेंट नल, मैसेज में हम लिख देते हैं सेलेक्ट फाइल साइज लेस देन 1 MB, मतलब आप 1 MB से छोटा फाइल अपलोड करिए। टाइटल ERR, इस तरह से। और रिटर्न भी तो हमें करना है, तो नल रिटर्न कर देंगे, हो गया जी काम हमारा। अब ये अनरीचेबल कोड आएगा, क्योंकि रिटर्न से पहले हमें बाकी स्टेटमेंट लिखनी चाहिए, इस तरह से ये हमारा काम हो गया। अभी पीला पीला वार्निंग दे रहा है, देता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब मैं फिर से मैनेज स्टूडेंट पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ रन। अपडेट पे आया, आ रहा है यहाँ पे फोटो, इसको मैं राइट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक कहाँ किया, ये देखो कह रहा है सुर देने 1 MB, तो जी 1 MB से छोटा फाइल अपलोड करो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे भी मैं ये करता हूँ, 1 MB से छोटा एरर करो, कह दिया ना, हर जगह ये कहेगा, हम बात है एरर हर जगह के लिए आएगा, 1 MB से छोटा अपलोड करो, क्योंकि हमने 1 MB से छोटा का फाइल रिटर्न नहीं किया। चलिए ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे कुछ एरर भी आए हैं, वो मैं समझ रहा हूँ किस चीज़ का एरर आया होगा, एरर स्टूडेंट लिसनर 141, यहाँ पे एरर आया होगा कि हम नल नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसे फाइल नेम, अब फाइल नेम को यहाँ पे नल पे तो नहीं ना कॉल हो सकता,
तो हमें अब क्या करनी पड़ेगी, इसको कट करनी पड़ेगी, पूरा यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। LOG हो गया, अब ये एरर नहीं आएगा। करके दिखा दूं, आप देख लो, नॉट इक्वल टू नल, तो ये सारा काम करो। ये लीजिए, राइट क्लिक, अपडेट, यहाँ पे आया मैं, ये लीजिए 1 MB, ये देखिए कुछ एरर अब नहीं आएगा, ये देखिए कोई एरर नहीं। तो एरर हमारा सॉल्व हो चुका है लगभग, ये एरर हमने सॉल्व कर दिया। कितना समय हो गया, 10 मिनट, 10 मिनट बीत चुका है, पर हमें और कुछ देखने हैं अभी। क्या देखनी है, इनपुट स्ट्रीम का, सॉरी इनपुट स्ट्रीम कह रहा हूँ मैं, पहले राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ प्रोग्राम, फिर मैं बताता हूँ क्या देखनी है। हमें फाइल अपलोडिंग का काम करना है, ये जो है ना, इन सब पे फाइल अपलोडिंग कैसे होगा उस पे हमें अब काम करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले सबसे मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, प्राइवेट वॉइड अपलोड फाइल, अपलोड फाइल इस तरह से, ये स्ट्रिंग यहाँ पे COLUMM कॉलम नेम कॉमा, कॉलम का नाम हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, फाइल नेम, कॉलम का नाम और फाइल का नाम हम दे देंगे। और कुछ जरूरत है क्या देने की, तो और मुझे कुछ जरूरत अभी नजर नहीं आ रहा है देने के लिए कि मैं और कुछ दूँ। तो अब मैं सीधा क्या करूंगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर आऊंगा, न्यू स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट डाउ डॉट अपलोड फाइल, अपलोडिंग अपडेट फाइल लिखते हैं, अपडेट फाइल, इसी नाम से मेथड मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ इस तरह से। एक काम और करना पड़ेगा हमें, INT ID, ये मैं भूल रहा था। अब यही सेम पूरा टोटल पैरामीटर मैं कहाँ पे पास कर दूंगा, यहाँ पे, नहीं, ये पैरामीटर नहीं, यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर, मेथड कॉलिंग हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर जाएगा इस तरह से। हेलो, अब ये फाइल यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये फाइल हम बनाएंगे अभी, तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम MESS मैसेज लिखें, क्या एरर का मैसेज यहाँ पे लिख देंगे, अपलोड SU सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस लिखनी है ना हमें, SUCC सक्सेस, ये मैसेज भी तो SUCC सक्सेस का है, ESS सक्सेस, अन्यथा एल्स, एल्स में एरर दे देंगे। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ये एरर लिख दूंगा, यहाँ पे अपलोड एरर, और यहाँ पे एरर, अपलोड फाइल के नाम से मेथड बनाना है, बना लेंगे हम। मैं डाओ में जाऊँगा, सबसे पहले लास्ट में आऊँगा, और लास्ट में आने के बाद मैं क्या कर लूँगा, पब्लिक, पब्लिक बुलियन इस तरह से, फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, स्ट्रिंग COL कॉलम नेम, और फिर स्ट्रिंग फाइल नेम कॉमा इंट ID,
एरर किस बात का दे रहा हो भाई? रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे? प्रिपेयर, प्रिपेयर स्टेटमेंट, पीएस डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। नहीं, पहले तो कनेक्शन लेना पड़ेगा ना। कनेक्शन यूएनएन इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, और फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू CONN डॉट डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ पे हम डालेंगे फाइल का नाम, फाइल का नाम नहीं, यहाँ पे एसक्यूएल का स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर उसके बाद पी एस डॉट सेट बाइनरी स्ट्रीम, सेट बाइनरी स्ट्रीम यहाँ पे लिख देंगे एक, और यहाँ पे आएगा स्ट्रीम, तो यहाँ पे कर देंगे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसको यहाँ पे ना लिख करके हम ऊपर में आ जाएंगे और फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम एफ इक्वल टू न्यू ये है फाइल नेम ऐसे। अब यहाँ पे क्या करें, एफ डॉट फाइल इनपुट कॉमा एफ डॉट अवेलेबल। लो भैया सही दे दिया। अब आ रहा है एरर, तो मैं क्या करूंगा, ट्राई कैच ब्लॉक लगाने का कह रहा जा रहा है। ट्राई और सबसे लास्ट में आके ऐसे, फिर यहाँ पे सी ए कैच लिख दूंगा एक्सेप्शन। ये रिटर्न के बाद मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा। हो गया। अगला पैरामीटर पी एस डॉट सेट इंट, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आईडी होगा। फिर यहाँ पे पी एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट डबल इक्वल टू 1, तो फिर ट्रू एल्स फॉल्स रिटर्न। कोड हमने लिख दिया सारा। अब इसके बाद हमें क्या करनी है, यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेरी लिखनी है, अपडेट स्टूडेंट। क्वेरी में मैं आता हूँ, अपडेट का क्वेरी लिख देता हूँ यहाँ पे। इन सब को मैं कर देता हूँ डिलीट ऐसे, कट करूंगा, वेयर के जगह पे पेस्ट करूंगा। मैं क्वेरी बना करके तो फिर मैं आता हूँ। तो मैंने क्वेरी बना दी, इसी तरह का हम क्वेरी लिखेंगे। तो आइए, कहाँ गया, यहाँ पे मैं आ गया स्पेस इस तरह से। अब देखो सेट के बाद यहाँ पे जो कॉलम नेम है ये रन टाइम पे मैं भेजूंगा, तो ये वाला कॉलम नेम को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। किस कॉलम को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे ये रन टाइम पे भेजूंगा। पहला पैरामीटर में कॉलम नेम में चला जाएगा और फिर ये यहाँ से आएगा। तो टेस्टिंग का घड़ी आ चुका है, तब तो आता हूँ मैं एड स्टूडेंट लिसनर में। बाकी सब कुछ ठीक है। अब मेथड हमें कॉल करना है, तो मैं ऊपर ऊपर फिर
कैटेगरी है, कैटेगरी में मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं क्या करूंगा, कंडीशन लिखूंगा इफ एड स्टूडेंट डॉट इज अपडेट, यदि इज अपडेट है तो क्या करो, मेथड को कॉल करो। सबसे पहले है कॉलम का नेम, तो COLN लिखता हूँ अभी, फिर कॉमा, ये पूछ रहा है फाइल नेम बताओ, तो फाइल नेम दे देंगे। एंड भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा और फाइल नेम नॉट इक्वल टू नल करना पड़ेगा, एंड फाइल नेम नॉट इक्वल टू नल, नल भी तो नहीं होना चाहिए, फिर कॉमा, फिर पूछ रहा है स्टूडेंट आईडी, तो एड स्टूडेंट आईडी डॉट आईडी, यदि अपडेट के लिए खुला है और फाइल चाहो तो आप यहाँ भी ब्रेकेट दे दो ऐसे इस तरह से कि फाइल नेम नल नहीं है और अपडेट है, तब फिर ये कोड चले। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, ऐसे कॉल कर देंगे। एक कैटेगरी वाला है तो कैटेगरी का कॉलम नेम क्या है, ये वाला, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, क्लियर। अब कैटेगरी को अपलोड करके देखते हैं। रन एज एप्लीकेशन, अपडेट करूंगा मैं और कैटेगरी में आऊंगा, ऊपर वाले का नाम लेके क्लिक कर देते हैं, अपडेट सक्सेस। मैं आता हूँ डेटाबेस में, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये देख लो आप, मैं स्ट्रक्चर में आऊंगा, स्ट्रक्चर में आके क्या फायदा, एडिट करता हूं मैं, एडिट करने के बाद कैटेगरी एफ में आता हूं और यहाँ पे ये ले लो जी, अपडेट कर देता हूँ, अवेयर कंप्यूटर अवेयरनेस डॉट txt फाइल अपलोड हो चुका है, समझ रहे हो आप। ये देखो कैटेगरी में मैंने कुछ और डाल दिया, यहाँ पे 7.8 के भी दिख रहा है यहाँ पे आपको कैटेगरी। अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, इसको करूँगा क्लोज और ऊपर वाले में मैं आऊँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा, फोटोग्राफ्स नहीं है इसलिए यहाँ पे आ रहा है ऐसा, कैटेगरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इधर आऊँगा क्लिक कर दूंगा इस पे, तो ये बहुत बड़ा साइज हो रहा है, मैं इसी इमेज को क्लिक करूँगा, अपडेट सक्सेस। अब आप या अभी यहाँ पे देखो 7.8 दिख रहा है, फोटो ये देखो नहीं था, फोटो नहीं है तो इसलिए नहीं है, ये देखो बदल गया, तो अपडेट का काम कर रहा है ये, जैसे यहाँ पे हमने अपडेट का काम किया ठीक उसी तरह से इसको हम क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे और बस ये सेम कोड कॉपी मारूंगा मैं, हर जगह पेस्ट करूंगा। वेट एंड वेट, वाई यहाँ पे आ गया, अपलोड के टाइम पे यहाँ पे रिटर्न भी कर दूंगा ऐसे, ताकि इसके आगे कोड ना बढ़े, हमें यहाँ पे नहीं सेट करना है, टेक्स्ट फाइल सेट करके कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी आपने देखा था कि लेबल में नाम शो हो गया था, यदि मैं एग्जांपल आपको दूं तो फिर से मैं इस पे आऊँगा, रन करूँगा, अपडेट, यहाँ पे फाइल नेम तो मुझे शो अब नहीं डालना है वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने रिटर्न करा दिया, अब अपडेट तो हो गया लेकिन अब यहाँ नहीं शो कर रहा है, पिछले बार में शो किया था तो वही मैंने किया है रिटर्न। कॉपी, कैटेगरी हो गया यहाँ पे हमारा कैटेगरी का काम, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यह है 10 वाला
ट्वेल्व वाला है, तो यहाँ पे ट्वेल्व लिख देंगे हम, ट्वेल्व। ये भी अपलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ऊपर आऊँगा मैं ऐसे, ये टेन है तो यहाँ पे टेन लिख दूंगा मैं। फाइल नेम देख लेता हूँ, और टेन था। ये कॉलम का नेम है, यहाँ से लो। फिर इसको मैं कॉपी मारूंगा और ऊपर में आऊंगा, लो। और इसका कॉलम का नेम क्या है, ये है, तो यहाँ पे मैं आऊंगा, इसको भी अपलोड कर दिया। हमारा काम हो गया। मैं मैनेज स्टूडेंट पे राइट क्लिक करता हूँ और जावा एप्लीकेशन में क्लिक करके रन कर देता हूँ। अपडेट कैटेगरी आपको मैं सेलेक्ट करके अपडेट करता हूँ। अपडेट सक्सेस, अपडेट हो गया। ओपन, अपडेट सक्सेस, ये भी अपडेट हो गया। इसको भी करता हूँ अपडेट सक्सेस। 12 पे भी टेस्टिंग कर लेते हैं, अपडेट सक्सेस। तो सारा हमारा अपडेशन काम ठीक से चल रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो इस पे आते हैं और इसको हम स्टॉप करके मिलते हैं अगले मतलब चैप्टर में। 11 बज गए, आप भी सो जाइए, हमें कहाँ विश्राम।